वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें सात निश्चय योजना पार्ट वन जो है वो हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और उसमें पहला जो है आपका आर्थिक हल युवाओं को बल, वो हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पर आगे बढ़ के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा लिंक है जिससे आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, तो जरूर जुड़िए, ठीक है। और ये इसका मैंने बता दिया था आप लोगों को, सातों निश्चय का नाम बता दिया था और उसके बाद आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत हम लोगों ने चार पांच योजनाओं के बारे में देखा था, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक रोजगार महिला का अधिकार, जो कि सात निश्चय योजना के तहत दूसरी योजना है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। महिला सशक्तिकरण के आंदोलन को प्रेरित करते हुए सरकार ने घोषणा के तहत आरक्षित रोजगार महिलाओं के लिए 35% आरक्षण राज्य की महिलाओं को सभी सरकारी पदों पर दिया जाता है, ठीक है। तो 35% आरक्षण दिया जाता है, ये याद रखिएगा। निश्चित तौर पर बीपीएससी का एग्जाम दे रही है महिलाएं तो उनको भी 35% आरक्षण इसमें भी दिया जाता है, ठीक है। इसका प्राथमिक लक्ष्य समाज में महिलाओं के सक्रिय और रचनात्मक योगदान को बढ़ावा देना है। द प्राइमरी गोल इज टू प्रमोट द एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। भाई अब 50% है उनकी जनसंख्या, 50% है, तो भाई उनको अगर अधिकार नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट है आपका हर घर बिजली, ये थर्ड जो आपकी है सात निश्चय योजना में। तीसरा जो निश्चय है वो है हर घर बिजली, तो इसके बारे में देख लेते हैं। हर घर बिजली के संदर्भ में बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर को बिजली उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों शामिल है, यह याद रखिएगा। इसे प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना वर्तमान में पूरे राज्य में लागू की जा रही है और इसके तहत सरकार अपने पास मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को बिजली और मीटर मुहैया कराती है। और अब तो स्मार्ट मीटर भी लगाया जा रहा है ना, स्मार्ट मीटर देख रहे होंगे आपके आसपास भी स्मार्ट मीटर लग रहा है, प्रीपेड मीटर है ये, है ना। बिहार वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स है जो कि प्रीपेड मीटर लगवा रहा है, जिसमें आपका सिम कार्ड होता है, जैसे मोबाइल में आप प्रीपेड रिचार्ज करते हो और आपका बैलेंस आ जाता है, उसी तरीके से उसमें भी प्रीपेड है, जितना पैसा डलवाओगे उतना बिजली आप इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हर घर नल का जल, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। हर घर नल का जल कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के पीने का पानी मिलता है, मतलब पेयजल मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, जो कि स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है। हर राज्य के लगभग 2 करोड़ घरों में रहने वाले परिवारों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने का यह एक दृढ़ प्रयास है। यह बिहार के हर मोहल्ले और गांव के निवासियों के सहयोग से किया जाता है, ये याद रखिएगा कि गांव के और मोहल्ले के जो निवासी हैं उन्हीं के सहयोग से यह किया जाता है, ठीक है। और इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, तो आगे देख लेते हैं कौन कौन सी योजना है। पहला है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि कुल 4291 ग्राम पंचायतों के 58,162 ग्रामीण वार्डों को उपभोग के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, ठीक है। और प्रदेश की 8386 ग्राम पंचायतों के 14,691 ग्रामीण वार्ड में जो है वो गुणवत्ता प्रभावित नहीं है, ये याद रखिए। गुणवत्ता प्रभावित होने का क्या मतलब है कि जो अफेक्टेड है किसी चीज से, जैसे ऑर्सेनिक मिल जाता है, लोहा मिल जाता है, ये सब पानी में मात्रा ज्यादा होती है तो वो पीने लायक नहीं रह जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रामीण वार्ड हैं जो कि गुणवत्ता प्रभावित नहीं है और कुछ जो है वो गुणवत्ता प्रभावित भी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके तहत दो प्रकार का है आपका योजना। पहला है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ठीक है, जिसमें फ्लोराइड होता है, लोहा होता है और ऑर्सेनिक होता है और इससे पानी दूषित हो जाता है, वैसे जो क्षेत्र हैं उनको रखा गया है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में, ठीक है। और यह सारा जो है आपका चल रहा है ग्रामीण पेयजल योजना के तहत ही, निश्चय योजना के तहत ही, ठीक है। और इस कार्यक्रम में जो है आपका 3814 फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण वार्डों और 5085 ऑर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों और फ्लोराइड से प्रभावित 21,598 क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। तो ये आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि हर घर नल का जल के अंतर्गत ये जो योजना है वो चलाई जा रही है और किस चीज से दूषित होता है पानी, तो फ्लोराइड है, लोहा है और आर्सेनिक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र। इससे पहले हम लोगों ने देखा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र जिसमें लोहा, आर्सेनिक और
बाकी फ्लोराइड मिल रहा था। अब ये जो योजना है इसके तहत वैसे क्षेत्र जहां पर फ्लोराइड लोहा और वो आर्सेनिक नहीं मिलता है उसको गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। 14वें वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग और राज्य योजना मद से प्राप्त राशि से यह कार्य पूरा किया जाएगा। ये जितना भी आपका हर घर नल का जल है यह सब के लिए राशि यहीं से आएगी, ठीक है। और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत राज्य के गैर गुणवत्ता प्रभावित 5013 ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों के सभी परिवारों को पाइप के माध्यम से नल द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी और इन पंचायतों के प्रत्येक घर को वर्ष 2019-20 तक पाइप के माध्यम से नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग पार्ट वन पढ़ रहे हैं इसलिए पीछे का बता रहा है ना, पार्ट टू जब पढ़ेंगे तो आगे का बताएगा, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी में, इसलिए पार्ट वन पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसी के तहत हर घर नल का जल के तहत ही मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना भी आता है। ग्रामीण में हम लोगों ने दो तरह का देखा, एक जो कि गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र थे और दूसरा था जो गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र नहीं थे। अब है शहरी पेयजल योजना, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि 2012 से यह प्रारंभ किया गया है, सबसे पहले तो ये याद रखिए। उसके बाद 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 20% और 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 30% राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो कितना जनसंख्या के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा यह आपको याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेष 80% और 70% राशि जो है वो पूर्ति, उसकी पूर्ति जो है नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है। नगर पालिका है, नगर निगम है, वो सब ऋण लेकर के बाकी जो 80% और 70% है उसका भुगतान करेगी, ठीक है। अब ऋण का 75% जो है वो राज्य शासन के द्वारा दिया जाता है और 25% नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किया जाता है। मतलब नगर निकाय जो आपसे लेती है ना, वो टैक्स वगैरह लेती है, उससे वो भुगतान करेगी, ठीक है, 25% का। और 75% जो है वो नीतीश कुमार जी करेंगे, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है, ये था आपका तीन और योजनाएं हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने देखा था महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हम लोगों ने देखी, हर घर नल का जल देखा और फिर आपका हर घर बिजली देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और हर घर तक पक्की नलियों की जो व्यवस्था की जा रही है, गलियों की नालियों की जो व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले जो है यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के बारे में जरूर बताइए लाइक करके कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज, और आपको लग रहा है कि नहीं कि काम का है, ये पता चलना चाहिए ना। आखिर आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई काम का है, तो बस धड़ल्ले से वीडियो देते जाओ, है ना। तो बस चलते रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए लगातार, ठीक है। पार्ट वन भी पढ़ रहे हैं, पार्ट टू भी पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में इसी तरीके से पढ़ेंगे, प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। तो फिलहाल मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।